गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स नमस्कार यू ऑल आर वाचिंग प्रधानमंत्री ई विद्या चैनल चैनल नंबर ऑफिशियल एंड आई एम कुसुम प्रसाद सो डियर स्टूडेंट्स आप सभी तैयार हो जाइए सोशल साइंस पढ़ने के लिए यानी ये सत्र है कक्षा नौ के विद्यार्थियों के लिए और सब्जेक्ट है सोशल साइंस का एंड टू टीच दिस सब्जेक्ट अवर एक्सपर्ट इज श्री गोपाल प्रसाद शाही ही इज हीचर इन पोलिटिकल साइंस राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय यमुना विहार दिल्ली से सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सत्र में नमस्कार सर नमस्कार मैडम आपका भी और सभी बच्चों को मेरा नमस्कार जी तो सर पढ़ाएंगे आप सभी को सोशल साइंस तो आप सभी जुड़ जाइए इस सत्र से ताकि आपको इस टॉपिक पर सारी विस्तार से जानकारी मिल सके तो इससे पहले आज का हम सत्र शुरू करें हम आपको बता देते हैं हमारे विभिन्न माध्यम हम कौन कौन से हैं जिसके जरिए आप हम तक पहुंच सकते हैं और अपने फीडबैक्स हम तक पहुँचा सकते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर पर वो है आठ पर इसके अलावा आप हमें ई भी कर सकते हैं हमारा ई मेल है जो कि आपके टी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है वो है डी टी एच डॉट क्लास नाइन एट द रेट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट आई पर और एक और जरिया एक और माध्यम यानी हमारे YouTube चैनल एन सी आर टी ऑफिशियल के लाइव चैट में जाकर आप अपने मैसेजेस अपने सुझाव अपने फीडबैक हम तक पहुंचा पहुंचा सकते हैं और सारे जो भी समस्याएं हैं उसे हमें बता सकते हैं हमारे एक्सपर्ट को बता सकते हैं ताकि जो भी आपकी समस्या आ रही है उसका हम हल निकाल सके तो अब हम देर नहीं करते हैं रुक करते हैं हमारे एक्सपर्ट की तरफ श्री गोपाल प्रसाद शाही सर की तरफ तो सर, सर आज का जो टॉपिक है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पार्ट वन हम पढ़ने वाले हैं तो उसमें क्या क्या कुछ है ये हम जानना चाहते हैं लेकिन सबसे पहला मेरा प्रश्न है सर कि वाई इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टूडे नाउ सर थैंक यू मैडम और सभी बच्चों को भी धन्यवाद प्यारे बच्चों आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा डेमोक्रेसी के बारे में चैप्टर टू में और आपने देखा होगा कि आज की तारीख में दुनिया में जहाँ कहीं भी डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है बेसिकली डेमोक्रेसी के दो फॉर्म होते हैं एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है और एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होता है तो आज दुनिया में कहीं पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिलता है केवल आपको स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन्स हैं जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी का फॉर्म है अदरवाइज हंड्रेड से ज्यादा कंट्रीज दुनिया में ऐसे हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी है और वहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है बेसिकली इसमें होता क्या है कि जनता अपने नुमाइंदे को चुनती है और जिन प्रतिनिधियों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है वो मिलकर सरकार का गठन बनाते हैं और जनता से रिलेटेड बहुत सारी जो है नीतियों को वो निर्धारित करते हैं कानून बनाते हैं चूंकि आज हम लोग देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी डेमोक्रेसी है तो चूँकि आबादी काफ़ी अधिक है तो इसलिए मैंने कहते हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द पीपल टू सीट टुगेदर टू डिस्कस ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू द पब्लिक एंड ट्राई टू सॉर्ट आउट द मैटर या to take decision, to make the लॉज तो इस वजह से इस कारण से चूंकि आबादी काफी अधिक है और सभी लोगों का इकट्ठे जगह बैठना सभी समस्याओं पर चर्चा करना और उसके पश्चात किसी फैसले तक पहुंचना ये मुमकिन नहीं है तो इस वजह से डायरेक्ट डेमोक्रेसी की वजह से की जगह पे आपको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में देखने को हमें मिलती है जी तो मैं चाहूँगा कि बच्चे आप देखें जैसे इसमें पीपीटी के माध्यम से भी कि टाइप ऑफ डेमोक्रेसी में दो तरह के डेमोक्रेसी हैं और ये बात आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि हमने जैसा अभी कहा कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्विट्जरलैंड के सभी हिस्सों में नहीं है कुछ कैंटन्स जैसे हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्स होते हैं ठीक उसी तरह से वहाँ पे कैंटन्स होते हैं तो कुछ कैंटन्स में ही ऐसा है और आप देख सकते हैं इस पीपीटी में कि कई देशों को दर्शाया गया है चाहे हम लोग फ्रांस की बात करें या यूएसए की बात करें इंडिया की बात करें ब्रिटेन की बात करें या तमाम जो तो लोकतांत्रिक देश हैं जिनको आप जानते हैं उन सभी देशों में आपको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है इसी प्रकार से अगर आगे आप बढ़ें तो हम सब जानते हैं कि जैसा कि नाम से ही है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी तो रिप्रेजेंटेटिव किसके होते हैं पब्लिक के होते हैं है। और चूंकि पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो कोई न कोई एक प्रोसीजर निश्चित रूप से होना चाहिए जिसके माध्यम से लोग अपने नुमाइंदे अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सके और वो जिसके द्वारा किया जाता है जिस मैकेनिज्म के द्वारा उसको हम लोग इलेक्शन कहते हैं और मैं समझता हूँ कि भारत के सभी विद्यार्थी बेहतर तरीके से अवगत होंगे और खास करके अगर नाइन्थ क्लास के बच्चों की अगर बात की जाए तो इसमें पहला ही जो हमारा है प्रश्न वो है कि की वाइड इलेक्शन क्योंकि जो हमारे चुनाव हमारे लिए क्यों जरूरी है स्टूडेंट्स के तो, मन में भी कही न, कहीं ना कहीं प्रश्न आता होगा कि ये क्यों जरूरी है हमारे लिए इलेक्शन क्यों होते हैं निश्चित रूप से तो प्यारे बच्चों आप देखे हैं इस पीपीटी में बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं वन बाय वन मैं डिस्कस करना चाहूंगा जैसे अगर पहला भी पॉइंट देखें कि इलेक्शन कैन लीड टू चेंजेज इन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कई दफे क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है अगर उससे हम सेटिस्फाइड नहीं हैं किसी दूसरी सरकार को चुनते हैं हो सकता है वो नई पॉलिसी लेकर के आए और प्रीवियस गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उससे काफ़ी जो है डिफरेंट उसकी पॉलिसी हो या फिर कई बार होता है कि जनता भी जो मौजूदा सरकार होती है उसको नई नई नीतियां नए नए कार्यक्रम बनाने के लिए बाध्य करती हैं तो ये इलेक्शन के माध्यम से क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है उसमें भी परिवर्तन आ सकते हैं चेंजेज आ सकते हैं और कई बार तो होता है कि इलेक्शन सभी मतदाताओं को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि अगर हम सत्ता पक्ष से जो रूलिंग पार्टी है अगर उसकी नीतियों से उसके कार्यक्रमों से अगर हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं हमें ऐसा लगता है कि जो प्रोमिसज किए गए हैं उस पर अगर सरकार खड़ी नहीं उतर रही है तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है चुनाव के दौरान कि हम किसी और विकल्प पे विचार करें किसी और जो है पार्टी अथवा गठबंधन को सस्ता पे उसी तरह से कह सकते हैं कि आ, आपको द इलेक्शन कैन लीड टू द दे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट जो है कि राज्य के आर्थिक विकास को भी चुनाव सुनिश्चित करता है कई बार होता है कि अगर सरकार गलत लोगों के हाथों में है उनकी पॉलिसी अगर गलत है तो जो एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक दे डेवलपमेंट होता है वो नहीं हो पाता है तो कहीं न कहीं चुनाव के माध्यम से हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी इंश्योर करते हैं उसी प्रकार से आपने देखा होगा कि इलेक्शन के दौरान तमाम तरह की जो पार्टियां होती हैं वो अपना अपना मैनिफेस्टो जारी करती हैं अलग अलग वो पॉलिसीज़ को लेकर के आती हैं वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और मतदाताओं को जो भी मैंने इन पार्टियों के प्रोमिस जो भी उसके मैनीफेस्टोज हैं जो भी उसकी पॉलिसीज है वो बेटर लगता है तो ऑबियस है कि मतदाता फिर वैसी जो है कि पार्टियों को तोज्जो देती हैं उसको फेवर करती हैं और चुनाव जीतती हैं इसी तरह से अगर देखा जाए तो जब सरकार का गठन जनता के हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है तो वो हमारे लिए कानून बनाते हैं वो सरकार का गठन करते हैं या एक तरह से कह सकते हैं कि Uh, जो सरकार की सत्ता होती है उसके ऊपर एक तरह से चेक जो है एक तरह से नियंत्रण रखने का काम भी जो है जनता करती है अच्छा। और वो किसके माध्यम से इलेक्शन के माध्यम में से जैसे अगर हम देखें सैनिक तंत्र है या फिर कोई तानाशाही शासन व्यवस्था है डिक्टेटरशिप है मिलिट्री रूल है तो वहाँ पे चुनाव नहीं होता है नहीं। तो वहां सरकार की नीतियों से अगर हम लोग सेटिस्फाइड हैं तब भी या नहीं है तब भी हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है कि हम उसे बदल सकते हैं तो लोकतांत्रिक देश में मैं समझता हूं चुनाव एक बहुत बड़ा माध्यम है एक बहुत बड़ा जरिया है एक बहुत बड़ा टूल है आपको किसके लिए मतदाताओं के लिए जिसके द्वारा देश की जो जनता है राज्य की जनता वो कभी का जो है ना सारे परिवर्तन ला सकती है आपको

कहते हैं कि देश में और समाज में प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए लोगों की भलाई के लिए या खुशियाँ लाने के लिए हम लोग अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें कभी भी जो है ना मताधिकार से अपने आप को दूर ना रखें और जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था प्यारे बच्चों आप देखें इस फिफ्टी के माध्यम से कि तमिलनाडु में असेंबली इलेक्शन हुआ था दो में और वहाँ पे डीएम को बहुमत प्राप्त हुआ मुनेतर और दरवी मुनेत्र कड़गम और जिसके नेता है मिस्टर स्टॉलिन वो सत्ता में आते हैं तो उससे पहले वहाँ पे आपको पलानी स्वामी की सत्ता थी और वो सत्ता किसकी थी ए आई के की थी, की थी। तो इसके माध्यम से ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ या आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि पहले किसकी सत्ता वहाँ पे थी या सरकार थी तमिलनाडु में तो ऑल इंडिया मुनेत्र जिसके लीडर कौन थे तो पलानी स्वामी थे और जब 2021 में वहां पे मई के महीने में चुनाव अप्रैल मई में, में चुनाव होता है और हम लोग देखते हैं कि डीएमके को वहां पे बहुमत प्राप्त होता है तो इसका क्या तात्पर्य क्या या इसका अर्थ निकलता है कि वहाँ की जो मौजूदा सरकार थी उसकी नीतियों से उसके कार्यक्रमों से वहाँ की बहुसंख्यक आबादी संतुष्ट नहीं, नहीं थी, थी। इसलिए उन्होंने दूसरी सरकार को जो है आपको मौके दिए इसी तरह से देखें कि 2022 में जो है आपको उत्तर प्रदेश में असेंबली का इलेक्शन होता है और 2017 में बीजेपी पहली दफे वहाँ पे चुनाव जीत करके आई थी मिस्टर आदित्य योगी आदित्यनाथ वहाँ के मुख्यमंत्री थे और 2022 में जब दोबारा चुनाव हुआ तो पुनः उसी सरकार को वहाँ की लोगों ने रिपीट किया तो इससे क्या आप निष्कर्ष निकालते हैं इसे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अगर मौजूदा जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसकी नीतियों से उसके कार्यक्रमों से अगर जनता संतुष्ट है और जो वायदे किए गए हैं अगर उन वायदों पर सरकार जो है ना खरा उतरने की कोशिश कर रही है तो जनता दोबारा भी उन्हें मौके दे सकती है और तमिलनाडु के केस में हमने देखा कि वहाँ की सरकार से जनता खुश नहीं थी तो वहाँ सरकार को बदल दिया गया तो ये दोनों ही बातें कि हमें जो मौजूदा सरकार है उसको बनाए रखना है या किसी नए पार्टी को नए गठबंधन को मौके देने हैं यह अपॉर्चुनिटी किसके माध्यम से आता है लोगों के पास के? आता है इलेक्शन के माध्यम तो ये से. जो भी आपने एग्जांपल्स शो करे वो हमें पता लगा कि इलेक्शन क्यों जरूरी है क्यों जरूरी है जी बिल्कुल बिल्कुल एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक अब तो जैसे हम लोगों ने जाना की भी कि इलेक्शन क्यों जरूरी है क्यों होना चाहिए उसके माध्यम से क्या क्या परिवर्तन आते हैं अब दूसरा उसमें एक इश्यू आता है कि किस प्रकार के चुनाव को हम लोकतांत्रिक कहेंगे तो इसमें आप देखें कि सबसे पहले तो यह है कि लोकतंत्र में एवरी वन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव एन इक्वल वैल्यू जैसे अगर हम लोग भारत की ही बात करें तो भारत में लोकतंत्र है यहाँ सभी लोग यहाँ कोई बड़ा छोटा अमीर गरीब कुछ नहीं है मतलब सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया है जो अठारह वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग हैं और हर एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है चाहे वो अमीर से अमीर व्यक्ति हो या फिर गरीब से गरीब व्यक्ति हो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ही हो या कोई साधारण आदमी हो और हर किसी के वोट की एक वैल्यू है तो ये एक बहुत बड़ी पहचान होती है डेमोक्रेटिक इलेक्शन की जहां सभी मतदाताओं की वोट का वैल्यू इक्वल होता है उसी तरह से देखें तो इसमें क्या है कि पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइसेस टू द वोटर तो अब इसमें क्या है कि सभी पार्टियां सभी उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र होते हैं किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई बंदिश नहीं होता है और चुनाव के दौरान मतदाताओं के सामने कई प्रकार के विकल्प होते हैं और उन विकल्पों पर गौर फरमाने के बाद मतदाताओं को जो पार्टी जिन पार्टियों की नीतियां कार्यक्रम अच्छे लगते हैं निश्चित रूप से उसको मौके दिया जाता है उसी तरह से आपने देखा होगा कि एक है कि इलेक्शन मस्ट भी हेल्ड आफ्टर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम हमारे देश में अगर हम लोग बात करें लोकसभा की विधानसभा की तो उसके लिए क्या टर्म है पांच साल है तो प्रत्येक पांच साल पे चुनाव होता है डेमोक्रेसी तो में क्या है कि यह भी एक उसका इंपॉर्टेंट फीचर है कि रेगुलर इंटरवल पे चुनाव होते रहने चाहिए ताकि यह पता चले कि भाई जनता एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के साथ है उसके फेवर में है या उसके डिसफेवर में है और अगर चुनाव ही नहीं होंगे तो फिर इस तरह कि जनता के जो पसंद या नापसंद है उसका पता नहीं चलेगा तो दुनिया में जहाँ कहीं भी डेमोक्रेसी है वहां का जो लेजिस्लेचर है तो उसका अपना अपना टर्म होता है तो हमारे देश में पांच साल का टर्म है लोकसभा और विधानसभा का तो प्रत्येक पांच वर्ष पे वहां पे चुनाव होता है उसी तरह से कहा जाता है कि आपने देखा होगा कि द कैंडिडेट है प्रीफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड हमारे यहाँ पे या दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है जिसको सर्वाधिक वोट मिलता है या जिसको जनता फेवर करती है वोटर जिसको फेवर कर तो वे वो व्यक्ति चुनाव जीत जाते हैं लोकतंत्र में या चुनाव जो है लोकतांत्रिक पद्धति के हिसाब से सिद्धांत के हिसाब से हुआ हो संपन्न हुआ हो तो इसके लिए एक यह भी जरूरी है कि इलेक्शन फ्री और फेयर मैनर में कंडक्ट होना चाहिए यानी hmm. वोटर्स के ऊपर किसी भी किस्म का कोई प्रेशर नहीं होना hmm. चाहिए कि जनता जिस किसी को सपोर्ट करना चाहती है वो ऐसा कर सकती है और अपने देश में हमने देखा है कि ताकतवर से ताकतवर लीडर भी कई दफ़े चुनाव हार जाते हैं।, हैं क्यों क्योंकि क्यों जनता उसको फिवर नहीं कर रही होती है या लंबे समय तक हमारे देश में और विभिन्न राज्यों में कांग्रेस की शासन रही आज देखते हैं अधिकांश राज्यों में उनकी सरकार नहीं रही तो हो सकता है कि देश की जनता उनकी नीतियों से कार्यक्रमों से या जो प्रेजेंट लीडरशिप है कहीं अगर ना खुशी तो हो या ना खुश हो तो ऐसा हो सकता है कि जनता जी हो? सर एक प्रश्न ये आता है कि जो ये पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होते हैं तो क्या ये Uh, सही होते हैं क्या होने चाहिए इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए सर निश्चित रूप से तो देखा होगा कि जैसे बड़ा ही स्टीफ कंपटीशन होता है इलेक्शन के दौरान विभिन्न दलों के बीच में उनकी विचारधाराओं को लेकर के नीतियों को लेकर के कार्यक्रमों को लेकर के या क्या प्रिफरेंसेस हैं कई बार एजुकेशन को लेकर के एम्प्लॉयमेंट को लेकर के महंगाई को लेकर के तमाम इस तरह के मुद्दे हैं तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी या सभी पार्टियाँ अपनी अपनी नीतियों को कार्यक्रमों को लेकर के जनता के सामने प्रस्तुत होती हैं तो इससे बेसिकली क्या होता है एक तो पॉलिटिकल पार्टी अगर मान लो कि अगर चुनाव जीत जाती है तो उसको भी एक किस्म का इंसेंटिव मिलता है उसको भी पुस्तक मिलता है कि नहीं हम मैं सही दिशा में जा रहा हूँ हमारी नीतियाँ सही है देश के व्यापक लोगों के हित में हमारी नीतियाँ हैं तो और बेहतर काम करने की कोशिश करेगी एक तरह से इंसेंटिव जो है पार्टी को भी मिल रही है दूसरी तरफ हमने जैसा कि पहले भी कहा कि चुनाव के दौरान अगर कंपटीशन होता है बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उसकी पॉलिसीज हैं तो जनता के सामने भी विभिन्न प्रकार के विकल्प जो है ना होते हैं और जनता देखती है कि उन विकल्पों में से कौन बेहतर विकल्प है कौन कैंडिडेट ज्यादा बेहतर है जो हमारी प्रॉब्लम्स को बेटर तरीके से एड्रेस कर सकता है तो निश्चित रूप से वैसे जो है पार्टियों को वैसे कैंडिडेट्स को जनता भी सपोर्ट करती है तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल जो कंपटीशन है वो जरूरी है so इस तरह से कंपटीशन होता अगर, है तो हाँ। एक तरफ अगर मान लो कुछ नए सुझाव या नए तरीके दर्शाते हैं तो एक कंपटीशन भी हो जाता है तो दूसरी पार्टी भी ऐसा ही करने की कोशिश करती है आ, और देखा होगा कि कई बार अगर ऐसा लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कि जो जनता के मुद्दे हैं उसे अगर कोई पार्टी दूर होती जा रही है तो कहीं कहीं जो है ना फिर से उन नीतियों के ऊपर फोकस सरकार कर सकती है या उसी प्रकार से आपने देखा होगा कि अगर ओपोजिशन में है तो वो जो सरकार की कमियां हैं उसको हाईलाइट करने की कोशिश की जाती है आपको विपक्षी दलों के द्वारा और उसके पास जो भी अच्छी बातें हैं अच्छी कार्यक्रम है अच्छी नीतियां हैं देश के लिए राज्य के लिए वो जनता के सामने जो है वो ला सकती हैं तो अगर इस तरह का कंपटीशन नहीं होगा नहीं। तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो खत्म हो जाएगी लेकिन कई बार चुनाव जीतने के लिए जिस तरह का कॉम्पिटिशन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं तो मुझे लगता है कि वो अपने थोड़े दायरे में रह करके करें या जो लोकतांत्रिक मूल्य है जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है उन सिद्धांतों के अनुरूप अगर पॉलिटिकल पार्टीज भी, भी है, जो है ना आचरण करें तो मैं समझता हूँ बेहतर होगा और केवल जो है ना सत्ता प्राप्त करना ही एकमात्र ध्येय एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए राजनीतिक दलों का बल्कि जनता की सेवा जनता के लिए अच्छी नीतियाँ अच्छे कार्यक्रम लेकर के आए या जो अपेक्षाएं हैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करें और ये तब और तभी मुमकिन है जब आपको पॉलिटिकल कंपटीशन होगा अब जैसे दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहाँ पे एक दलीय शासन पद्धति है एक ही पार्टी है तो चाहे आप मान लो कि उस पार्टी की नीतियों से कार्यक्रमों सेटिस्फाई हो या फिर आप सेटिस्फाइड नहीं, नहीं हो आपके सामने कोई विकल्प नहीं होता है अब यहाँ पे क्या है कि अगर रूलिंग पार्टी नहीं। एक प्रेशर होता है कि, होता है कि रूलिंग पार्टी के ऊपर अगर ऑपोजिशन पार्टी ने कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का अगर रोल प्ले नहीं किया तो हो सकता है कि जनता जो है ना दोबारा या फिर उसे मौका ना दे या रूलिंग पार्टी ने बेहतर काम नहीं किया तो उनके सामने भी चुनाव में जो है ना हार का खतरा रहता है एक हेल्दी कंपटीशन हो जाता है अगर हेल्दी कंपटीशन हो तो ज्यादा सुविधाएं देने को हाँ। वो हो जाएंगे कि जनता को हम ज्यादा जो ज्यादा सुविधाएं देता है वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे तो फिर एक हेल्दी कॉम्पिटिशन कह सकते हैं निश्चित रूप से जी तो अब हम बात कर लेते हैं सर ये लोकसभा जो सीट्स के बारे में कितनी सीट्स होती है किस तरह से होता है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं तो प्यारे बच्चों आप मैप में देख सकते हैं कि दो में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें तो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितना है 543 तो आप अब इसमें क्या है कि देश माने कथन की पूरे देश को कुल मिलाकर के 543 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया गया है तो और कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है एक ज्योग्राफिकल यूनिट है बिल्कुल जिस यूनिट में रहने वाले मान लो कि जो मतदाता हैं वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं ठीक है तो लोकसभा में कुल मिलाकर के 543 हंड्रेड हैं तो भारत के जो 28 राज्य और आठ शासित प्रदेश हैं आज की तारीख में उन सभी मैंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से कुल मिलाकर के पांच सदस्यों का चुनाव होता है और आबादी के हिसाब से निश्चित रूप से कि जहां पे आबादी जयजे है वहां पे सीटें जयदे होती हैं जहां पे कम है उसकी सीटें कम होती हैं तो बेसिकली इसमें क्या होता है कॉन्स्टिच्युएंसी में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिचुएंसी की अगर हम लोग बात करें या चाहे असेंबली कॉन्स्टिच्युएंसी

जो असेंबली कॉन्स्टिट्युएसीज है इसकी संख्या सेवेंटी है और यहाँ पे आपने देखा होगा कि लोकसभा में भी और इसमें विधानसभा में भी कि कुछ सीटें हर एक राज्य में ऐसी के लिए जो है वो आरक्षित होती ये जरूरी नहीं है कि सभी राज्यों में हो जैसी लेकिन कुछ सीटें जैसे 84 फोर हैं लोकसभा में या राज्यसभा में 47 सीटें जो हैं आपको शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित है अगर लोकसभा की अगर हम लोग बात करें तो एट्टी फोर जो सीट्स हैं वो एस सी के लिए और फोर्टी सेवन सीट्स जो है वो एस टी के लिए आरक्षित है तो इसका मतलब हुआ कि उस क्षेत्र से यानी रिजर्व कॉन्स्टिचुएंसी से सिर्फ और सिर्फ उसी कैटेगरी के, के कैंडिडेट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे लेकिन उस कॉन्स्टिचुएंसी में रहने वाले सभी जाति और धर्म के जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे अब आप देखें कि जो इलेक्शन की बात हमने कर ली कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है या कितनी पार्लियामेंट्री कॉन्सिट्यूज और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो प्यारे बच्चों हमारे देश में चुनाव संपन्न कराने की कंडक्ट कराने की जो रिस्पांसिबिलिटी है वो किसकी है चुनाव आयोग की और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका नाइनटीन में इस्टेब्लिश या इसका गठन किया गया है और प्रारंभ में तो लंबे समय तक कि एक एकल सदस्य यानी एक ही जो है ना सदस्य होता था या मुख्य चुनाव आयोग और 1989 में इसको मल्टी मेंबर्स यानी थ्री मेंबर्स और जनवरी 1990 से इसको कंटिन्यू किया गया तो आज की तारीख में भारतीय जो चुनाव आयोग हैं वो तीन सदस्यों की एक इकाई है और उसमें जो सीनियर मोस्ट होता है वो आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और बाकी दो जो हैं वो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं कोई भी निर्णय बहुमत के द्वारा उसमें लिया जाता है और मिस्टर राजीव कुमार जो हैं वो प्रेजेंट में कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं भारत के इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो जो इसके मैंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं या अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो या तो छः वर्ष का होता है या फिर आपको पैंसठ साल की आयु तक है मैंने जो भी पहले हुए अगर छः साल मैंने मैक्सिमम रहेंगे या पैंसठ वर्ष की आयु तक रहेंगे और लोकसभा राज्यसभा समस्त राज्यों की विधानसभा लोक ये आपको आप, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन सब का चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है भारतीय चुनाव आयोग की है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है चुनाव आयोग की होती है और न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सभी लोग भारतीय चुनाव आयोग की सराहना करते हैं बड़े जो है ना कि बेहतर तरीके से स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हमारे देश में चुनाव संपन्न होता रहा है अब आप देखें कि पावर एंड फंक्शंस ऑफ तो इलेक्शन कमीशन की जैसे है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्युए है कि पुनः इसकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जा सकता है और उसमें भी आपने देखा होगा कि प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल या जिसको हम देखते हैं वोटर लिस्ट है तो उसमें क्या होता है कि एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले सभी मतदाताओं की सूची तैयार करना उसको अपडेट करना या उसी प्रकार से जो है जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसको रिकॉग्निशन जो है ना किसके द्वारा दिया जाता है तो चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है उसको सिम्बॉल जो है अलॉटमेंट किसके द्वारा तो चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है आप देखेंगे इसमें ये इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया इसमें बहुत सारे जो है ना कि स्टेप्स हैं कि जैसे आपको नोटिफिकेशन होता है आपको फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन हैं स्क्रूटनी व्रोवल है फिर कैंपेन होता है फिर देखते हैं कि चुनाव एक दफ़े डिक्लेयर हो जाए तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना स्टार्ट हो जाता है फिर स्क्रूटनी और किया जाता है इसके बाद एक फिक्स डेट को पोलिंग होती है उसके बाद काउंटिंग है काउंटिंग के बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है और फिर जिस पार्टी अथवा गठबंधन को बहुमत प्राप्त होता है तो उसके द्वारा सरकार का गठन किया जाता है अब आप देखें कि बेसिकली अब नोटिफिकेशन की ही अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है कि चुनाव आयोग के द्वारा ठीक है चुनाव की अधिसूचना जारी करना जैसे अभी आपको हो सकता है कि अब तक जो है ना अधिसूचना जारी हो चुके हो गुजरात और हिमाचल प्रदेश में असेंबली कॉन्स्टिट्युएसी को लेकर के तो मुझे लगता है कि समय के अभाव में आज वार्ता सर हमने काफी हो कुछ इस चैप्टर में से ज्यादातर भाग की हमने चर्चा कर ली और हमने काफी कुछ जाना आपसे सर आपका आज के लिए सत्र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद सर धन्यवाद मैडम आपका और प्यारे बच्चों जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें बहुत सारे जो स्टेप्स हैं इसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में जो है निश्चित रूप से मैं करना चाहूंगा बहुत सारी बातें इसमें रह गई हैं जी बिल्कुल और तो आज, आज दिल्कुण भी दिल्कुण। हमने काफी कुछ कवर कर लिया इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में जी हाँ, एक पाबंदी के कारण जी एक इसमें कुछ क्वेश्चन है बच्चों के लिए तो चाहे तो बच्चे जो है ना एक दफे इसको हाँ जी सर समय इसका की पाबंदी अच्छा। जी समय की पाबंदी की वजह से हम इन क्वेश्चन uh, को नहीं ले सकते लेकिन वो अगर चाहें तो इसको स्क्रीन कर सकते हैं आज के सत्र के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर धन्यवाद सर तो स्टूडेंट्स आज आप सोशल साइंस पढ़ रहे थे तो अब हमारा सत्र यही सम्पन्न होता है आप कहीं मत जाइए जुड़े रहिए प्रधानमंत्री विद्या चैनल और हमारे यूट्यूब एन सी ऑफिशियल पर नमस्कार